जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की यानी कि निवेश की, तो हम बात करते हैं दो तीन तरह के इन्वेस्टमेंट की। पहला इन्वेस्टमेंट होता है लैंड के अंदर, जो बेसिकली होता है कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, यानी कि जैसे हमने 100 रुपये इन्वेस्ट करे वो 125, 150, 200 रुपये के आसपास होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। दूसरी इन्वेस्टमेंट होती है जहाँ पे हम फिक्स रेंटल की तरफ देखते हैं, जैसे किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर। ये प्रॉपर्टी आपकी एक दुकान हो सकती है या कोई ऑफिस स्पेस हो सकता है। इसके अंदर आपको एक फिक्स रेंटल आता है 5 से 6% का अप्रॉक्सीमेटली आता रहता है। कैपिटल एप्रिसिएशन भी होती है, पर वो थोड़ी सी कंपेरेटिवली लैंड से कम होती है, कम एग्रेसिव होती है। और तीसरी एक इन्वेस्टमेंट और होती है इसके अलावा, जिसके अंदर आपका लैंड एप्रिशिएट भी होता है प्लस आपको अच्छे रेंटल भी मिल जाते हैं। आज हम इसी इन्वेस्टमेंट की बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम लोग बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट की। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव तिवारी और फिर से एक बार एक नया वीडियो लेके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो चुके हैं। बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए, जिसके अंदर हमने लैंड के वीडियोस बनाए, जिसके अंदर हमने अपार्टमेंट के वीडियोस बनाए, नोएडा में भी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर भी और यमुना में। आज की वीडियो में हमने थोड़ा सा आपको इंडस्ट्रियल के बारे में बताने की कोशिश की है, क्योंकि बड़ी सारी क्वेरी आई थी कि इंडस्ट्री के बारे में बताइए। तो इन जनरल हमने इंडस्ट्री के बारे में आपको बताने की कोशिश की है। आज के वीडियो में हमने नोएडा फेज 2 के अंदर सेक्टर 88 को कवर किया है। सेक्टर 88 में हम आपको बताएंगे कौन कौन से साइजेस हैं, यहाँ पे क्या रेंटल होना चाहिए, अगर आप खरीदना चाहते हैं क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, रोड और इंफ्रा, ये सारी बातें हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेक्टर 88 तक हम पहुँचे कैसे। तो अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं मयूर विहार वाले बॉर्डर की तरफ से, तो तकरीबन 12-14 किलोमीटर होना चाहिए किलोमीटर्स में, और अगर हम बात करें टाइम में तो 20-25 मिनट लगना चाहिए ट्रैफिक के हिसाब से। दूसरा, अगर हम मेट्रो स्टेशन की बात करें तो सेक्टर 83 का मेट्रो स्टेशन है, जिससे बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड है। अगर हम बात करें बसेस की या ऑटो की, तो दादरी रोड पर पड़ता है बहुत अच्छी तरीके से, तो आपको पब्लिक कन्वेंस भी बड़े आराम से मिल जाता है। और अगर हम बात करें इसकी कनेक्टिविटी की कि कहाँ कहाँ से इसकी कनेक्टिविटी है, तो ग्रेटर नोएडा आप बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं, नोएडा एक्सटेंशन बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं, और एक्सप्रेसवे से बहुत अच्छी तरीके से ये कनेक्टेड है। तो अगर बात करें सेक्टर 88, जो कि छोटा सा एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इसके बारे में, तो यहाँ पर आपको 3 ब्लॉक मिलते हैं, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और ब्लॉक सी। ए ब्लॉक की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आपको अनाज मंडी मिलती है, फूल मंडी देखने को मिलती है, ट्रांसपोर्ट नगर देखने को मिलता है, और उसके साथ में कमर्शियल एरिया जो है वो देखने को मिलता है। अगर हम बात करें बी ब्लॉक और सी ब्लॉक की, तो इसके अंदर आपको 200 स्क्वायर मीटर, 450 स्क्वायर मीटर और 800 स्क्वायर मीटर के प्लॉट एरिया मिलते हैं। इस सेक्टर की अगर हम बात करें कि पहुंचते कैसे हैं, तो जो भी सराउंडेड रोड्स हैं ना, जो कनेक्टिंग रोड है, 45 मीटर और 30 मीटर की वाइड रोड्स हैं। अंदर की रोड की बात करें तो मिनिमम आपको 12 मीटर की रोड मिलती है, 12 मीटर, 18 मीटर, 24 मीटर की रोड मिलती है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। तीसरी अगर हम बात करें तो जो आपका ये सेक्टर है, इसके आजू बाजू हर जगह पर आपको ग्रीन बेल्ट्स मिल जाती है, विच इज़ अ गुड थिंग। और ये एक इंडस्ट्रियल सेक्टर होने के बावजूद, इसके अंदर आपको 4 से 5 पार्क, काफ़ी बड़े बड़े और मेंटेन पार्क देखने को मिलते हैं, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। बात हो अगर सिक्योरिटी की, बात हो अगर स्किल्ड लेबर की, बात हो अगर अनइंटरप्टेड बिजली सप्लाई की या पानी की, तो इस सेक्टर में आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। प्राइसिंग की बात करते हैं, उससे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको दो तरीके की चीज़ देखने को मिलेगी। पहली चीज़, यहाँ पे आपको प्लॉट नहीं मिलेगा, चूँकि पुरानी अलॉटमेंट है तो प्लॉट नहीं मिलेगा, कंस्ट्रक्शन ही देखने को मिलेगा। दो तरह के कंस्ट्रक्शन होते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो इस चीज़ को समझ लें। एक होता है आपका RCC स्ट्रक्चर, जैसे नॉर्मल आपका बना होता है, उसके अंदर बेसमेंट हो सकता है, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके का बना हो पुरानी या नई कंस्ट्रक्शन के अंदर। दूसरा होता है, इसके अंदर शेड्स होते हैं, तो शेड से अगर, तो शेड में कंस्ट्रक्शन जो है आप देखोगे थोड़ा सा कम होता है। शेड के अंदर क्या होता है, कई सारी मशीनरी होती है जिनकी हाइट ज़्यादा होती है, उस वजह से कई बार एक शेड की डिमांड होती है, वो अलग अलग डिमांड अलग अलग जो भी इंडस्ट्री चला रहे हैं उनके हिसाब से होती है। अब अगर हम बात करें प्राइसिंग की, तो 200 स्क्वायर मीटर, 450 और 800 स्क्वायर मीटर का, 200 स्क्वायर मीटर की अगर हम बात करें RCC स्ट्रक्चर की, तो तकरीबन 4 करोड़ के आसपास, मैं अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, प्लीज़ प्राइस मत पकड़िएगा। और अगर मैं बात करूँ 450 स्क्वायर मीटर की, तो तकरीबन 7 करोड़ के आसपास, और अगर मैं बात करूँ आपकी 800 स्क्वायर मीटर की, तो तकरीबन आप मानिए 10 करोड़ के आसपास अप्रॉक्सीमेटली आ जाना चाहिए। ये RCC स्ट्रक्चर का मैंने आपको बताया। अब अगर ये शेड है तो इसकी जो आस्किंग प्राइजेस से थोड़ी कम होती है, क्योंकि उसके अंदर कंस्ट्रक्शन का काम कम हुआ होता है। ये हो गई बात आपको कि अगर आप खरीदना चाहते हैं इसको। दूसरी अगर हम बात करें
कि लीज पे आपने खरीदा हुआ है, आप लीज पे देना चाहते हैं या आप कोई चीज लीज पे दे रहे हैं या आप लेना चाहते हैं या दे रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी है। तो अगर हम बात करें कॉन्क्रीट के आरसीसी के अंदर तो 25-26 रुपए पर स्क्वायर फिट से लेकर 30-32 रुपए पर स्क्वायर फिट तक अप्रॉक्सीमेटली जाती है, डिपेंड करता है किस तरीके का बना हुआ है और क्या क्या चीज़ें हैं। दूसरी अगर हम बात करें आपकी शेड के अंदर, तो शेड के अंदर ये थोड़ा सा पर स्क्वायर फिट रेट ज़्यादा होता है, वो तकरीबन आप मान के चलिए कि 35-40 रुपये पर स्क्वायर फिट के आसपास हो सकता है। नेबरहुड सेक्टर्स की बात करें तो सेक्टर 80, 81, 83, 84, 85, 86 और 87 और ये वाला 88 मिला के सारे इंडस्ट्रियल हैं। 89 और 90 सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे आईडी के भी कुछ आपको प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। कनेक्टिविटी जैसा मैंने आपको पहले बता चुका अच्छी है, इसके पास आपको बहुत सारे आवासीय प्लॉट भी अच्छे मिल जाते हैं, जैसे 93 भी है, 92 है, तो रहने के लिए भी वहाँ पे अच्छे सेक्टर मिल जाते हैं। मुझे लगता है कि वीडियो को कंक्लूड करते समय जो अच्छी बातें वो सारी मैं बता चुका हूँ। अगर इसका बात करें कि इसके अंदर ऐसी क्या खामी हो सकती है, तो देखिए ऐसी कोई खामी तो नहीं है, लेकिन अगर आपका बजट कम है और आपको बड़ा प्लॉट साइज चाहिए तो मुझे लगता है ग्रेटर नोएडा जरूर आप कंसीडर करें, क्योंकि वहां पे रेट 50,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर से भी शुरू होते हैं, डिपेंड करता क्योंकि वो कम डेवलप्ड है, डेवलपमेंट में जा रहा है। दूसरी बात, अगर आप कैपिटल इन्वेस्ट एप्रिसिएशन के हिसाब से देख रहे हैं, आप चाहते हैं आपकी जमीन का, आपकी इंडस्ट्री का भी रेट ज्यादा बढ़े, तो यहां पे रेट काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, अभी भी एक्सपेक्टेड है ग्रेजुअल ग्रो होगा, लेकिन ग्रेटर नोएडा में इससे कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिक्स रेंटल चाहिए तो यहां पे फिक्स रेंटल को चिंता करने की आपको जरूरत नहीं, भाई नोएडा है। तो ये हमारी छोटी सी कोशिश थी, आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में भी बता दिया और थोड़ा सा इंडस्ट्री में क्या होती है ये भी बता दिया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब अगर आपकी कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, जो भी हमारे एक्सपर्ट हैं इससे इंडस्ट्री से रिलेटेड आप उनसे बात कर सकते हैं, चाहे आप सेलर हो, चाहे आप बायर हो, चाहे आपको इसको लीज के लिए या रेंट के लिए देखना चाहते हैं, या आप दिए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं जैसे भी आपको अच्छा लगे, या अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर आके लिख भी सकते हैं। आपसे हम मिलेंगे बहुत जल्दी किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, नमस्ते।